कुछ भी मेजर कमांड होते हैं तो हम जिंदा के अंदर ही आकर के चलाते हैं। तो सबसे पहला कमांड होता है ZM कंट्रोल स्टेटस। सर्विस फेल भी हो सकती है किसी भी रीजन से। अब रैम आपने 8 GB दिए और यूटिलाइजेशन इसकी 9 GB है तो क्या होगा, फेल हो जाएगा ना, है ना। और डिस्क सेल्फ साइज फुल हो गई तो सर्विस फेल हो जाएगा, मेल बॉक्स की सर्विस फेल हो जाएगी। ये सब सारे सर्विसेज क्या है, पेंडिंग है। यदि आपका क्या होता है कि यहाँ पे कुछ भी सर्विस फेल हो जाता है ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे रिस्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, रिस्टार्ट करने के लिए क्या, रिस्टार्ट, या तो आप क्या कर सकते हो किसी भी रीजन से आपको सर्विस स्टॉप करना है, स्टॉप कर सकते हो। ठीक, जैसे आपने यहाँ पे सर्वर इंस्टॉल कर लिया है ना, तो माइनस वी हो जाए वर्जन चेक करने के लिए। तो यहाँ पे 8.6 ये हो जाए लेटेस्ट, हाँ 8.6 सेकेंड लास्ट लेटेस्ट है, 8.7 भी आ गया, 8.1 भी। देखिए फ्रंट एंड से इसको कैसे एक्सेस करते हैं, फ्रंट एंड से एक्सेस करने के लिए यहाँ पे देख लीजिए कुछ एक्सटर्नल सर्विसेज वगैरह भी लोड हो जाते हैं यहाँ पे। जैसे आपने देखा यहाँ पे SNMP वेब ऐप, वेब ऐप वगैरह वही है जो आप आपका अपाचे पैकेज लोड होता है उसी में वेब ऐप मोड आ जाता है। ठीक है, स्पाइल वगैरह, SNMP, ओपनडीकिंग, मेल बॉक्स वगैरह, अमाविश, NTSCAN। ठीक है, जैसे आप लोगों ने स्पैम एसेसिन पढ़ा होगा सेंड मेल में, स्पैम एसेसिन, स्पैम एसेसिन नहीं पढ़ा तो स्पैम एसेसिन क्या है, एक स्क्यूर पढ़ा है लोगों ने, स्क्यूर, तो स्क्यूर में क्या करते हैं, हम फिल्टरिंग करते हैं और बताते हैं, ये सेल रूल बनाते हैं, बनाते हैं ना कि कुछ भी वेबसाइट हमने अलाउ कर दिया, डिनाई कर दिया, तो वो वेबसाइट क्या होगा, डिनाई हो जाएगा या अलाउ हो जाएगा। व्हाइट लिस्ट करते हैं हम जैसे और ब्लैक लिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो एंटी स्पैम है, एक फाइल है, लोकेशन है, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी डोमेन को व्हाइट लिस्ट कर सकते हैं या ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं, कुछ कुछ भी रूल्स बना सकते हैं रिलेटेड टू स्पैम या किसी भी DNS के। तो आपका एंटीवायरस यहाँ पे सर्विस होते हैं अमाविश। ठीक है, तो अमाविश का ही काम होता है, जैसे सर्वर पे आपका मेल सर्वर पे मेल रिसीव होता है थ्रू MTA, MTA के थ्रू ही क्या होता है, मेल मेल रिसीव होता है। जैसे किसी सेंडर ने मेल सेंड किया आपके सर्वर पे, MTA ही होता है वो रिसीव करता है। जैसे MTA के पास मेल आता है, वो MTA क्या है, पोस्टफिक्स है, पोस्टफिक्स क्या करता है, एंड ओवर देता है किसको, अमाविश को। अमाविश क्या करता है, चेक करता है, स्कैन करता है, हेडर चेक करेगा, बॉडी चेक करेगा, अटैचमेंट चेक करेगा, सारा चीज चेक करने के बाद क्या करेगा, एक स्पैम टैग एलोकेट कर देता है, स्पैम टैग। यदि वो स्पैम टैग 6.6 के बिलो है तो वो क्या है, मेल जेन्युइन है। यदि अबव द 6 है तो क्या होगा, वायरस है, तो या तो उसको रिजेक्ट कर देगा या जंक में भेज देगा, या नहीं तो वायरस वाले फ्रंट एंड वाली फोल्डर है उसके अंदर में वो भेज देगा उसको। ठीक है, कैसे करता है, ये इसकी फीचर है। जैसे आपने एंटीवायरस देखा होगा अपने सिस्टम में, एंटीवायरस लगाते हैं ना, तो कुछ भी एक सी रन होता है या कुछ भी होता है, तो उन्होंने अपना डेटाबेस बना रखा है ना, उस तरीके से डेटाबेस के ऊपर काम करता है। इसमें विंडोज है, लिनक्स है, सब सेटिंग है। हाँ, बहुत कम चांस है, ये वो वाली वायरस नहीं है जो आप बोल रहे ऑटो जनरेटेड है। अब मेल से वो बनाया ना आपने, कोई भेज रहा है यहाँ पे, भेज रहा है ना, हाँ कोई भेज रहा है, उस चीज को बस स्कैन करता है। तो जिंगड़ा मेल सर्वर की जो एंटी स्पैम है ना, एंटी वायरस बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन काम चला हुआ। यदि आप बड़े एनवायरमेंट में आप क्या करते हो, ये तो फ्री है ना, ओपन सोर्स फ्री है, बट आप चाहते हो कि कुछ परचेज कुछ गेटवे लगा ले, एंटी स्पैम गेटवे, तो आप परचेज कर सकते हो। तो हमारे पास बहुत सी स्कैनिंग, तो फायरवॉल हम क्यों लगाते हैं अपने एनवायरमेंट, फायरवॉल क्या होता है, गेटवे होता है, ठीक है, बाउंड्री है, क्योंकि कोई भी पैकेट आता है या जाता है तो पहले क्या होता है, फायरवॉल पे स्कैनिंग होता है। तो हम मेल सर्वर के लिए भी क्या कर सकते हैं, गेटवे लगा सकते हैं। सबसे पहले मेल सर्वर आए, मेल आए तो गेटवे पे लैंड हो, गेटवे से स्कैनिंग हो, यदि वो बढ़िया है सही है तो उसको फिर रिले कर दे अपने मेल सर्वर पर। ठीक है, तो वो फ्री नहीं होता है, हमारे पास एंटी स्पैम है ओपन सोर्स, लेकिन वो उतना काम नहीं करता है। ठीक
क्योंकि क्या होता है ना, सारा मेल पे ही काम होता है। अब किसी ने मेल पे क्या किया, वायरस भेज दिया, सारा सिस्टम क्रैश हो जाएगा ना। यूजर को पता नहीं होता है, वो भेज दिया इनवॉइस, डॉक्यूमेंटेशन या कुछ भी भेज दिया, स्कैन कॉपी, किलिंग जैसे किया, सारे सिस्टम का जो भी फाइल्स वगैरह होते हैं इनकी क्रैश हो जाएगा, है ना। तो हमें एंटी स्पैम गेटवे लगाने पड़ते हैं, ठीक है। बट आप अच्छे सिस्टम एडमिन है तो ओपन सोर्स पे भी काम कर सकते हैं। हमारी बहुत सारे ऐसे क्लाइंट है, शायद ही किसी किसी के पास एंटी स्पैम है। अराउंड 200 क्लाइंट है हमारे पास मेल सर्वर का, तो हम मैनेज करते हैं, अपडेट करते रहते हैं डेटा यूज वगैरह उस तरह से। तो जिम्रा का जो एडमिन पैनल का पोर्ट होता है वो 7071 होता है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे https://7071 इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको एक्सेस कर सकते हो। सेंडमेल में होता है क्या? सेंडमेल में नहीं होता, प्रोस्पेक्ट प्रोग्राम आपने नहीं देखा होगा, ठीक है। तो एडवांस है ये, जो आपका जो टॉप मोस्ट मेल सर्वर है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज का है, ठीक है। वो फ्री नहीं है, बट जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज के बाद जो सेकंड कंपटीटर है आपका वो यही है, ठीक है। हाँ, बहुत पॉपुलर है ना, सुपर एडमिन। पासवर्ड जो आपने रखा, बाद में चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो आप, ठीक है। ये फ्रंट एंड है इसका, कुछ चीजें होती है जैसे आपको ये फेल दिखा रहा है, डरने की बात नहीं है। आपको बस क्या करना है, यहाँ पे स्टेटस चेक करना है, ये स्टेटस रनिंग है तो ऑल ओके। यहाँ पे फेल भी है क्योंकि फ्रंट एंड ग्राफिक पे कोई भी चीज बैक एंड से मशीन से उठ करके आने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आप देखोगे बाद में जाके तो ये आपका प्रॉपर चलने लगता है, ठीक है, चलने लगेगा। तो ये जो चल रही है ना, लोअर के सर्विस पे ही चल रहा है। लोअर के सर्विस में कुछ प्रॉब्लम है तभी प्रॉब्लम आएगा ये, ठीक है। तो सबसे पहला काम होता है कि हमें पोर्ट बनाने होते हैं, पोर्ट। अब जैसे पोर्ट की बात करें तो हमारे पास मेलिंग के लिए कितने पोर्ट होते हैं, जो पॉप होता है ना, पॉप, आईमैप, SMTP, ये होते हैं ना। पॉप के साथ पॉप्स भी होते हैं, एक नहीं होते, आईमैप्स भी होते हैं, SMTPS भी होते हैं, ऐसे होते हैं ना सारे। अब जो LDAP बताया मैंने, LDAP भी पोर्ट होते हैं, एक LMTP होते हैं यहाँ पे, ठीक है। और भी कई सारे ऐसे पोर्ट LDAPs भी होते हैं, MySQL है तो MySQL के भी पोर्ट होते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे MySQL जैसे बताया मैंने, ठीक है, ये हमारी MariaDB है, तो MySQL को रिप्लेस कर दिया और इसको कर दिया MariaDB, ठीक है। जैसे पहले होते थे ना MySQL, तो एक और कम्युनिटी आ गई है MariaDB, ठीक है, ये MySQL का ही पार्ट है, तो उसको MariaDB में चेंज कर सकते हो, उसका एनी एप्स। पोर्ट नंबर सबका पता होना चाहिए, जैसे बाय डिफॉल्ट जो विदाउट SSL होते हैं 110, इसका कितना होता है 995, इसका क्या होता है 143, इसका क्या होता है 993, इसका क्या होता है 25, यहाँ पे ये क्या हो जाता है 465। एक इसका और होते हैं SMTP with TLS, इसका होता है 587। ऐसा लग जाता है ना तो ये सिक्योर, मोर सिक्योर हो जाते हैं जो SSL सर्टिफिकेट में करते हैं, ठीक है। तो SSL का ही एक एडवांस आया है TLS, ठीक है, तो वो 587 है। LDAP का कितना होता है 389, LMTP होते हैं 7025। याद हो जाते हैं। अब देखिए जैसे मैंने बताया ना कि मेल सर्वर पे मेल आया, स्कैनिंग हुई, जो भी चीज हुआ, SMTP का ही काम होता है मेल सर्विस, मेल रिसीव करना और यूजर के पास भेज देना। तो जैसे मेल सर्वर मेल रिसीव होता है ना, तो उसकी डिलीवरी होती है कहाँ पे, मेल बॉक्स में, यूजर के मेल बॉक्स में। तो वहाँ पे जो वो डिलीवर करता है कौन करता है, LMTP करता है, लोकल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। LMTP प्रोटोकॉल होता है वो क्या करता है, लोकल डिलीवरी करता है। जैसे आपने सेंडमेल में पढ़ा होगा प्रॉप मेल, देखो प्रॉप मेल होता है वो क्या करता है, मेल डिलीवर करता है। प्रॉप मेल लगाते हैं आप, /etc/ /procmail /rc,
उसी के अंदर में सारा वो मेल डिलीवरी होता है, फोल्डर बनाते हैं वहाँ पे सारा कुछ। तो यहाँ पे LMTP होता है, वो क्या करता है लोकल डिलीवरी करता है। यहाँ पे हमें पोर्ट चेंज करने पड़ते हैं। आप यहाँ पे आओ ग्लोबल सेटिंग के अंदर में, यहाँ पे आप देखिए पॉप के अंदर में, सॉरी प्रॉक्सी के अंदर में, तो प्रॉक्सी यहाँ पे पोर्ट ले रखा है यहाँ पे 143। प्रॉक्सी हम मल्टी सर्वर के केस में यूज करते हैं। प्रॉक्सी क्या करता है, यदि आप मल्टी सर्वर आप यूज करते हो तो प्रॉक्सी का पोर्ट वही होता है जो पॉप का पोर्ट होता है, IMAP का होता है 143। जो भी इनकमिंग कनेक्शन होते हैं वो प्रॉक्सी हैंडल करता है, पॉप्स का या IMAP का, है ना। तो हम यहाँ पे कहते हैं इसको चेंज कर देते हैं, जैसे कुछ भी पोर्ट दे दो जो यूज में नहीं है, 888 सेव कर दीजिए, सेव हो गया। अब यहाँ पे आने सर्वर पे, यहाँ भी यूज कर रखा है ना ये सब पोर्ट है। अब यहाँ पे वहां पे 8 दे दिए तो यहाँ पे आप 7 दे दो। वैलिड बता रहा कंफ्लिक्ट हो रहा है ना, मैं देता हूँ ठीक है। मेन पोर्ट जो होते हैं हमारे यहाँ पे होते हैं, IMAP तो 143 पे काम करता है, हम 143 देंगे यहाँ ठीक है, सेव कर देंगे। आउटपुट में हम यही कंफिगर करने वाले हैं ना, IMAP के लिए यूज करते हैं, मोबाइल के लिए करते हैं ना। IMAP के केस में क्या होता है, हमारे पास दो प्रोटोकॉल है, मेल सेंड सॉरी रिसीव करने का, एक पॉप है और एक IMAP है। तो पॉप हम क्या करते हैं आउटपुट में कंफिगर करते हैं पॉप पे काम, और हम सेटिंग कर देते हैं आउटलुक में कि 10 दिन तक मेल रहे या 5 दिन तक 4 दिन तक मेल रहे, उसके बाद मेल क्या करता है डाउनलोड कर लेता है। यदि हम पॉप अकाउंट को मोबाइल में कंफिगर कर देंगे, मोबाइल की जो ये होते हैं स्पेस होते हैं है ना डिस्क की, वो तो कम होता है, तो सारा जब मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, कूल हो जाएगा मोबाइल या जो भी है ठीक है। मोबाइल यूजर हमेशा क्या होता है एक्टिव होता है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं मोबाइल पर पॉप पे काम क्रिएट नहीं करते हैं, वो वहाँ पे IMAP पे काम क्रिएट करते हैं। तो IMAP के केस में क्या होता है, यदि आपका मोबाइल लाइव है एक्टिव है वो क्या करता है सर्वर से मेल सिंक्रोनाइज करके रखता है। IMAP के केस में सर्वर पे मेल रहता है, वहाँ से फिर सिंक्रोनाइजेशन होती है, डाउनलोड नहीं होते हैं ठीक है। पॉप में आ जाओ, ये पोर्ट आप क्या करें यहाँ पे चेंज कर, ठीक है सेव हो गया। ये करने के बाद आप क्या कीजिए, एक बार जो आपकी सर्विस है ठीक है ना, इसको आप एक बार स्टार्ट लेंगे इसमें बहुत सारी ऐसी भी सर्विस होती है जो हम यूज नहीं करते हैं, जैसे सेवी पॉलिसी भी है ना, यदि रिक्वायरमेंट है तो हम करते हैं। जैसे आप WHM को काम करते हैं ना, WHM पे करते हैं सी पैनल पे, तो WHM में ना फैसिलिटी होते हैं, अब यूजर कितना मेल सेंड कर सकता है 1 आवर्स में, 100 मेल 200 मैक्सिमम, उससे ज्यादा तो नहीं भेज सकता है। अब यदि भेज रहा है कोई तो किसी ने हैक कर लिया, आपको स्क्रिप्ट बना दिया सर्वर पे है ना कुछ भी, और मेल सेंड कर रहा है तो वो क्या कर सकता है हजारों मेल जो है ना 5 मिनट के अंदर में क्यू में लगा सकता है सर्वर पे भेज सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं एक पॉलिसी बना सकते हैं सर्वर पे, जिससे क्या होगा कि यूजर 1 आवर्स में 100 मेल ही भेज पाए, 200 मेल ही भेज पाए ठीक है। तो ये सब सर्विसेज वगैरह होते हैं। एक ये होते हैं ZM config D, सिंटेक्स से रिलेटेड कोई भी चीज होता है ना सिंटेक्स, तो वो ZM config D के अंदर नहीं होते हैं, वहाँ पे सारे पैरामीटर डिफाइन होते हैं कि आपकी जो config फाइल है वो कहाँ पे है, और यदि ब्लैकलिस्ट वगैरह फाइल होगी तो वो कहाँ पे होगी है ना, अटैचमेंट की साइज वगैरह होगी तो वो सब सारा इसके अंदर में होगा ठीक। ये आपके स्टार्ट हो गए,
इसमें देख लेते हैं, इंस्टॉलेशन आपका कंप्लीट हो गया। लॉगिन के लिए मैंने बताया यहाँ पर कि आपका जो पोर्ट होगा 7071 होगा, और यूजर पैनल के लिए आपका HTTPS पे होगा। हम चाहते हैं कि HTTPS हटाना यूजर के लिए, तो HTTPS आप हटा भी सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट वो HTTPS पे ही काम करता है। अब यूजर क्या टाइप करेगा mail.6987.in ब्राउजर पे, तो खुलेगा नहीं, परेशान हो जाएगा, आपको पूछेगा कि है ना, तो हम HTTPS हटा भी सकते हैं। ठीक है, पोर्ट चेंज करने के लिए मैंने बताया था यहाँ पे, है ना, और जैसे पोर्ट मैंने सेट किया यहाँ पे, तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ से पोर्ट चेक करूँ कि क्या क्या पोर्ट्स बैकएंड में यूज हो रहे हैं। जैसे कोई एडमिन है, उन्होंने सेटअप किया सर्वर को, ठीक है, तो उसको पता है कि कहाँ पे पोर्ट्स वगैरह है, कैसे क्या इन्फॉर्मेशन हो गए, जिमडा एडमिन का पोर्ट्स कितना है, सब सारा चीज। बट जो सेकेंड एडमिन है वो चाहता है कि चेक करना कि कौन सा पोर्ट कितने नंबर पे चल रहा है, जिमडा की एडमिन का पोर्ट क्या है, तो ये कमांड होता है ZM group, ठीक है, ZM group कमांड और देखेंगे, गेट सर्वर, सर्वर आपका ये है, ठीक है, तो आपको ये पता भी होनी चाहिए कि होस्ट नेम और सर्वर किस पे बना हुआ, किस नाम पे, तो इसी पे बना हुआ है, तो आप यहाँ पे डिफाइन करते हो पाइप ग्रैप पोर्ट, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे ग्रैप कर सकते हो, ठीक है, तो जिमा एडमिन का ये पोर्ट है 7071, ठीक है, 143 आपका IMAP का पोर्ट है, ठीक है, प्रॉक्सी वगैरह अभी जो अपाचे प्रॉक्सी है ये ले रखा है यहाँ पे पोर्ट, ठीक है, 25 ये है आपका 110 IMAP का पोर्ट है, ठीक है, जो जिमरा मेल का SSL पोर्ट है, जो आपका वेब पैनल अभी खुलेगा आपका 8443 पे खुलेगा, ठीक है, हम चाहते हैं इसको चेंज करना 80 या 443 पे, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, तो यदि 8443 यहाँ पे है, इसको हम 80 पे चेंज करना चाहते हैं इस पे, तो पहले इसको चेंज करने पड़ेंगे, है ना, 81 करने पड़ेंगे, फिर जाकर वो है ना चेंज हो पाएगा, तो इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम चेंज करने हैं ना, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मॉडिफाई सर्वर कर देते हैं, मॉडिफाई सर्वर, फिर पाइप नहीं लगाते हैं यहाँ पे, हाँ पाइप नहीं लगाते हैं, फिर यहाँ से सिंटेक्स उठा लेते हैं ऐसे, और यहाँ पे फिर पोर्ट नंबर डाल देते हैं, ठीक है, तो रिक्वायरमेंट हो कभी इन फ्यूचर, मैंने आपको ये करा दिया, रिमाइंड करा दिया, तो आप पोर्ट्स वगैरह से चेंज कर सकते हैं। एडमिन पोर्ट वगैरह डिफॉल्ट होते हैं, आप इसको नहीं चेंज कर सकते, GI मोड से भी कर लेते हैं, चेंज कर सकते हैं, अभी मैंने चेंज किया था ना GI मोड से, ये सब सारे चेंज किए थे, बट हम एडमिन पोर्ट्स वगैरह या जितने पोर्ट हम वन टाइम सेट कर देते हैं, फिर नेक्स्ट हम नहीं चेंज करें, तो वही रिकमेंडेशन होगा। आप देखोगे जब ये बाय डिफॉल्ट पोर्ट है 7071 और ये पब्लिक एनवायरनमेंट में है, तो हर कोई हैक करने का कोशिश करता है 7071 को, तो हम हमारे एनवायरनमेंट में भी फायरवॉल है, तो हम क्या कर सकते हैं, फायरवॉल के थ्रू सारे पोर्ट्स को सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आपने सिक्योर किया तो बाहर से एक्सेसिबल नहीं होगा। अभी जैसे मैंने मेल खोला था ना यहाँ पे ni.com मेट्रो का, तो मैं खोल पा रहा हूँ, उनका सर्वर कहीं और रखा हुआ है, क्लाउड पे रखा हुआ है या इन हाउस रखा हुआ है, बट अदर आप चाहोगे अपने ऑफिस से, अपने ऑफिस से नहीं खुलेगा, है ना, हमने सिक्योर कर रखा है, तो ये सब सिक्योरिटी होते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। जो रिक्वायर्ड पोर्ट है, आप 25 पोर्ट आप बंद कर दोगे पब्लिकली, तो कोई मेल एक्सेस कर पाएगा, तो मेल जो रिसीव होती है ना MTA टू MTA जब बात होती है ना MTA टू MTA, तो वो 25 पोर्ट के थ्रू ही बात होता है। SMTP का पोर्ट 465 भी होता है, बट 25 भी मेन पोर्ट होता है MTA टू MTA बात करने के लिए, तो MTA की पोर्ट जो 25 होती है वो आपको खोल के रखना पड़ेगा, ठीक है। MX वगैरह भी पता चल गया, MX के भी आप क्या होता है, मेल सेंडिंग होता है, ठीक है। अभी मान लो जैसे मेरी IP है, ठीक है, कोई मुझे मेल कर रहा है वहाँ से, सेंडर मेल कर रहा है मुझे, हमें इस IP को उनके सर्वर पे ही बंद कर दें, वो तो कनेक्शन नहीं बना पाएगा ना, जैसे मेल हमें सेंड करेगा वहाँ से जो पोस्टफिक्स होता है ना MTA, वो चेक करेगा कि है कि नहीं है, लुकअप करता है ऐसे NS lookup mail.6987.in, यदि है तो ठीक है, नहीं तो वो बाउंस बैक दे देगा किसको, यूजर को, ठीक है। थोड़ी देर क्यू में रहेगा, क्यू की पावर होती है, जैसे क्यू होते हैं ना मेल क्यू में ऐसे रखते होते हैं, तो क्यू डिफाइन होता है कि कितने आवर्स तक मेल क्यू में रहे, और चेक, अब ऐसे थोड़ी ना कि मेल सर्वर पे मेल आया क्यू में अटक गया और तुरंत यूजर को बाउंस बैक दे देगा,
हो सकता है कि जो रिस्पेंड सर्वर है जहाँ पे मेल आप भेज रहे हैं वो बंद भी हो सकता है 5 मिनट के लिए, है ना। तो क्यू में आवर्स में रहते हैं वो, 6 आवर्स 5 आवर्स। आप चाहते हैं कि मोर देन 6 आवर्स हो जाए या बिलो 6 आवर्स हो जाए तो आप सेट कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है, ये सब सेट कर सकते हो। आपने कोर्स भी चेंज कर लिया, ग्रेड भी कर लिया, ठीक है, अब अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है, फिर टेस्टिंग वगैरह कर लेंगे। अब मेल फ्लो समझ में आ गया, मेल जब सेंड होता है, ठीक है, तो जैसे एक तो ईमेल क्लाइंट हो गया, ईमेल क्लाइंट क्या करेगा, मेल भेजेगा, सर्वर पे जाएगा, सर्वर पे चेक करेगा, वो सर्वर पे क्या चेक करेगा कि हमने जो मेल भेजा है xyz.com के लिए क्या वो लोकली अवेलेबल है या नहीं है। यदि वो लोकली अवेलेबल होगा तो वो लोकली मेल डिलीवर कर देगा, जैसे DNS बनाते हैं ना, जैसे DNS मैंने पिंग किया mail.6987.in, तो ये लोकली अवेलेबल है। यदि दूसरा कोई यूजर है mail.6987.in का ही वो मेल भेजेगा तो बाहर नहीं जाएगा ना, वो लोकली डिलीवर हो जाएगा। हाँ वही, अब मैं चाहता हूँ इसी सर्वर पे दूसरा कोई और डोमेन बना दूँ 6987.in। अभी तो मेल बनाया mail.6987.in, फिर एक दूसरा और बना दूँ 6987.in और उससे भेजू दूसरे को, तो वो भी यहाँ बन गया तो वो भी लोकली डिलीवर हो जाएगा। अब कोई थर्ड डोमेन है kbit.in, अब यहाँ चेक करेगा लोकल होस्ट पे, यदि नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा, बाहर भेज देगा, जैसे कनेक्शन बनेगा वो बाहर भेज देगा। तो इस तरीके से ऐसे काम करते हैं, ठीक है। तो जिमरा सर्वर काफी ईजी है, आप क्या कर सकते हो, जितने भी मैक्सिमम एज पर योर हार्डवेयर रिक्वायरमेंट आप क्या कर सकते हो, अपने सर्वर पे डोमेन बना सकते हो और यूज कर सकते हो, है ना। लिमिटेशन कुछ नहीं है यहाँ पे, लिमिटेशन कुछ नहीं है, हमारे पास फ्रंट एंड है, हम क्या कर सकते हैं, फ्रंट एंड से भी बना सकते हैं, डोमेन बनाइए जितना भी बनाना है बनाइए, पर डोमेन के लिए सेटिंग्स बताते हैं थोड़ा सा। अब सपोज क्या है ना, अभी मेरा ये सबसे पहले आप क्या करते हो, डोमेन परचेज करते हो, kbit.in परचेज कर लिया, तो आज के डेट में 500 से 600 तक क्या होता है डोमेन मिल जाता है। आप जैसे डोमेन मिल गया आपको तो वो क्या करेगा, आपको यूजर नेम और पासवर्ड दे देगा, लॉगिन आईडी, तो लॉगिन आईडी जैसे दे देगा तो आप क्या कर सकते हो, अपने कंट्रोल पैनल में, इसको सी पैनल बोलते हैं, वहाँ पे बता सकते हो कि हमारे मेल सर्वर कहाँ है। यदि आप रजिस्टार से ही मेल परचेज कर लेते हो तो आपकी ईमेल आईडी उसी सर्वर पे क्रिएट हो जाएगा, तो बट आप वहाँ बनाने वाले नहीं हो, तो हम क्या करते हैं, तो जो MX की एंट्री होती है, मेल की एंट्री होती है, हम वहाँ बता देते हैं कि जो MX की एंट्री है उसकी जो IP एड्रेस है क्या है, ये IP कहाँ होते हैं, पब्लिक में रीचेबल होते हैं, ये तो लोकल है, बट हम स्टैटिक IP देंगे ना वहाँ पे, तो स्टैटिक IP जैसे दोगे और एक नाम क्रिएट कर दूंगे वहाँ पे, क्या क्रिएट कर दूंगे, मेल एरी कोड बताओगे ना, पॉइंट करोगे, ऐसे ही करते हैं ना पॉइंट, जैसे आप mail.kbit.in पॉइंट करोगे और IP एड्रेस बताओगे कि MX वो वहाँ पे देगा, तो कोई भी सेंडर मेल सेंड करेगा तो आपके जैसे रूट पे आएगा, रूट पे चेक करेगा kbit.in, मेल पे जाने तो वो आपको यहाँ डिलीवर कर देगा, मोर देन 1 MX एंट्री भी क्रिएट कर सकते हैं वहाँ पे। उसी तरीके वेबसाइट के लिए भी है, जैसे वेबसाइट आपकी चल रही है kbit.in के नाम से, तो आपने kbit.in की IP मान लो ऐसे रिजॉल्व करा रखा 0.5, तो 5 वाले IP पे चले जाएगा, जैसे आप पिंग करोगे kbit.in तो वहाँ पे चले जाएगा। यदि वेबसाइट नहीं है तो बस आपको ब्लैंक पेज दे देगा या कुछ भी, तो इस तरीके से ऐसे कर। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं, तो पहले हम ग्राफिकली देख लेते हैं कि ग्राफिकली कैसे हम सारे काम कर सकते हैं, फिर बैकएंड से कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले डोमेन बना लेते हैं, sixnineeightseven.in, ठीक है, और कुछ नहीं करते, नेक्स्ट कर देते हैं। एक गेल सिंह की ईमेल आईडी होती है, जो गेल बताया था ना, गेल ग्लोबल एड्रेस लिख, ये गेल सिंह की ईमेल आईडी बन जाती है। इस डोमेन से रिलेटेड जितने भी ईमेल आईडी होंगे किसी के भी आप पे क्या होता है, वो सिंक हो जाते हैं यूजर के अकाउंट से। यदि आप गेल सिंह की ईमेल आईडी नहीं बनाते हो तो आपका जो कंपोज करते हो ईमेल आईडी दिखता है वो वहाँ पे नहीं दिखेगा, हाँ एड्रेस बुक नहीं दिखेगा। यदि आप कमाल लाइन से बनाते हो डोमेन तो गेल सिंह की ईमेल आईडी बनती नहीं है, तो प्रिफर करते हैं हम कि हम इसको फ्रंट एंड से ही बनाते हैं, ठीक है।
यहाँ पे जो आपने बेस डोमेन बनाया वो यहाँ बता दो आप, ठीक है, फिनिश कर दो आप, तो ये आपका बन गया ये, ठीक है। ये जैसे बन गया, आप क्या करो यहाँ पे एक बेस डोमेन बना दो, एक और डोमेन बना दो, सॉरी तो मैंने यहीं पे डिफाइन कर दिया, आप चाहो तो यहाँ भी डिफाइन कर सकते हो, ऐसे इस रूट के अंदर भी डिफाइन कर सकते हो, 4YY पेस्ट। और मैंने यहाँ पे क्या दो मैंने दे दिया 6987.in, ठीक है 6987.in, ठीक है। अब हमें क्या कहाँ पे सीडी वेयर मेमरी के अंदर में एक ऑलरेडी फाइल है आपके पास ये वाली, आप इसमें रिप्लेस कर लो। रिप्लेस करने के बाद बस हमें क्या करना है यहाँ पे जो ये है ना इसको रिप्लेस कर लेना है किससे, ठीक है, हमने रिप्लेस कर लिया। अब चाहो तो यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि एक ही सर्वर पे है, अब मेल पे भी रखो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एक और ए रिकॉर्ड बना लेते हैं, मेल इन ए, ठीक है, और एमएक्स की जो सॉरी MX क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा, ठीक है, mail.69 एक ही सर्वर पे है, तो बस एक स्टैंडर्ड बना दिया ना हमने मेल डॉट, है ना MX। अब सपोज क्या है कि आपने कन्फ्यूज किया कोई भी सर्वर 6987 या kvit.in, आपको यूजर को क्या बताना है कि आपकी जो SMTP की सेटिंग होगी और आपकी जो POP की सेटिंग होगी, आप कैसे बताओगे उनको कि आप ये डालो, तो आप क्या करोगे MX चेक करोगे, होस्ट स्पेस माइनस जी स्पेस डोमेन नेम, डोमेन नेम, तो आपको वहां पर बता देगा कि जो मेल सर्वर की जो होस्ट है ये है ना, तो आप उसको बता सकते हो, एक आइडिया हो जाएगा। आप तो नहीं जाओगे एडमिन के पास कि एडमिन बताए मुझे, तो फिर आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड ऑलरेडी है, समझे ना। जैसे आप मैं आपको मैं बताऊं यहाँ पे एमएक्स टूल बॉक्स एक वेबसाइट है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है, ए रिकॉर्ड एमएक्स रिकॉर्ड रिवर्स रिकॉर्ड सारे यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे आपकी ऑफिस की कोई डोमेन है बताओ, मेल डॉट इसी नाम से डोमेन है, ये आपके ऑफिस का जो आपका डोमेन है उसका एमएक्स चेक कर रहा है, एमएक्स कहाँ पे, नहीं ये तो है नहीं, आपने वो बता दिया SMTP एड्रेस बता दिया क्या, ये इस पे यहाँ पे आपका सर gov.in @gov.in लगाते होंगे ना आप डोमेन नेम, तो वो चेक किया यहाँ पे और इस वाले होस्ट पे आपका वो बना हुआ है, ठीक है। तो आपकी जो आउटलुक की सेटिंग होगी या तो ये होगी, ए रिकॉर्ड तो हम बना सकते हैं ना, और जैसे मैंने DNS बना दिया यहाँ पे, मैं ए रिकॉर्ड बना दिया मेल के नाम से, एक स्टैंडर्ड है, बट ऐसे ये भी डाल दोगे तो आपको इतना देगा, ठीक है। सेव कर लिया मैंने, सर्विस क्या स्टार्ट करेंगे, DNS की सर्विस, NS lookup 6987.in दे दिया, कुछ एरर कौन रिजॉल्व कर रहा है, 6987.in जो DNS जो रिजॉल्व कर रहा है, जो हमारा DNS की IP है वही रिजॉल्व कर रहा है। अब NS lookup gmail.com कौन रिजॉल्व कर रहा है, ये यदि ये IP रिजॉल्व नहीं कर रहा है तो कुछ आपके DNS में प्रॉब्लम है,
तो आपकी मेल जो होगी ब्लैकलिस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो आपका मेल क्या होगा इंटरनेट से होना पकड़ के हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा जो आपकी DNS होगी, आपके सर्वर का जो DNS होगा वही रिजॉल्व करना चाहिए। तो आपका DNS ये है, ये रिजॉल्व करना। अब ये चेक कर लो होस्ट मास्टर MX, यही है ना। अब यहाँ पे पिंग करके भी देख सकते हो आप, ये है। तो इस तरीके से आप बना सकते हो, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बस। आप DNS किसी भी और सर्वर भी बनाओ चलने चाहिए, एक DNS एक सर्वर बना लो, दूसरा दूसरे सर्वर बना लो तो बन जाएगा, लेकिन बेस DNS बनाने पड़ेंगे, ठीक है। और आपको जैसे मैंने बताया कि MX के भी आप ही मेल सेंड होता है, MX चेक किया मेल सेंड कर दिया, और भी आपके सर्वर इन्वायरमेंट को लोकल सर्वर बनाने हैं कुछ भी अदर डोमेन के लिए, जैसे 6987 के लिए मैंने यहाँ पे बना लिया, और कुछ back.6987 के लिए हमने दूसरे सर्वर पर बना लिया, और एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर मेल भेजने हैं तो कैसे भेज सकते हैं, DNS के थ्रू तो बताएंगे ना। जैसे हमारे सर्वर से मेल शूट होगा और हम बैक के लिए भी यहाँ पे DNS बना लेंगे और उसकी IP बता देंगे कि उसकी IP ये है और MX स्क्रीन पे ये है, तो बैक के लिए जैसे मेल निकलेगा तो वो लोकल एनवायरनमेंट में जो सर्वर होगा वहाँ पे चले जाए। तो ये सब कॉन्सेप्ट होते हैं मेलिंग के, तो इस तरीके से मेल आपका चले जाता है। तो आपने यहाँ पे डोमेन बना लिया है, तो अकाउंट ऐड कर लेते हैं, और आप क्या बना लें test1। तो यहाँ पे क्या देना हमें 6987 डॉट आ गया ना, ये दूसरा जितने भी डोमेन होगा आपको यहाँ पे दूसरी डोमेन पे बनाना है। यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम कुछ भी मिडिल नेम देने तो दे सकते हो, डिस्प्ले नेम आपका ये है। अब यदि यहाँ पे चेंज करते हो कुछ भी ये, अब जैसे नाम से नंबर से भी हो जाते हैं, UID ईमेल ID हो जाते हैं, बट डिस्प्ले नेम हम बता देते हैं इसलिए कि अंडरस्टैंडिंग के लिए, या डिस्क्रिप्शन वगैरह भी देते हैं यहाँ पे कुछ, है ना। पासवर्ड है यहाँ पे दे दो, ये नॉर्मल अकाउंट बन रहा है, एडमिन अकाउंट नहीं है, ठीक है। ईमेल आईडी बन गया, एक और ईमेल आईडी बना लेते हैं test2 sorry 6987 डॉट इन। पासवर्ड हमेशा मेलिंग के केस में आप कॉम्प्लेक्स रखिए, यदि कॉम्प्लेक्स पासवर्ड नहीं होगा तो जो हैकर होते हैं ना उसके पास क्या होते हैं ना टूल होते हैं बहुत सारे, वो क्या करेगा पैसे भी करके पासवर्ड वो ट्राई करते रहेगा, हैक हो जाएगा। तो मेलिंग के केस में पासवर्ड का भी हैक होता है, पासवर्ड हमेशा कॉम्प्लेक्स में, यूजर भी चेंज कर लेता है अपने एंड से पासवर्ड। जैसे वन टाइम मैंने पासवर्ड दे दिया उसको, तो यूजर पासवर्ड चेंज कर सकता है। यदि आपने पासवर्ड पॉलिसी अप्लाई नहीं कर रखा अपने सर्वर पर तो क्या होगा, वो सिंपल पासवर्ड रख लेगा 123, है ना। तो पासवर्ड पॉलिसी भी चेंज करना जरूरी है। ठीक है, ये दो अकाउंट बन गए, अब यहाँ से आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। ये सब सारे अकाउंट है आपके, एक अकाउंट, दो अकाउंट, तीन अकाउंट, ठीक है। जो एडमिन अकाउंट है उस पर ये है ना उस टूल का है ना सीखने, ठीक है। जो गैलसिक बताया था मैंने ये, ठीक है, और जो स्पैम रिलेटेड है, वायरस फ्रंट एंड रिलेटेड है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे इसको राइट क्लिक करके पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं, है ना। और यदि इन फ्यूचर मुझे रिक्वायरमेंट है इसका ID भी चेंज करना तो रिनेम कर सकते हैं, और यहाँ से क्या कर सकते हैं सेव कर सकते हैं, ठीक है। ID चेंज करेंगे तो सारे वो चेंज हो जाएगा, रीनेम होता है बस, वो डेटा वही रहता है उसी के साथ। जो लिनक्स में जो रीनेम किया आपने तो यूजर रीनेम करते हैं ना, तो डेटा तो उसी के साथ रहता है, यूजर तो आपने चेंज कर दिया, डेटा तो पुराने वाले के साथ रहेगा। नहीं नहीं, वो बस यूजर को रीनेम करते हैं, उसका मेल बॉक्स वही सेम ही रहता है। नहीं, मेल बॉक्स जो होगा ना टेस्ट, जैसे वन है आपने टेस्ट थ्री कर दिया तो टेस्ट थ्री के में आ जाएगा वो, क्योंकि यूजर को रिनेम किया ना। और टेस्ट वन,
इसमें तो हट गया ना, हट गया वो, नाम चेंज कर दिया। वो सारा मेल वो इसके पास आएगा। हाँ इसके पास आएगा। तो अब तो मेल भेज दिया, भेजेगा टेस्ट ट्रीट हो जाएगा। आपने चेंज कर दिया तो उसी को भेजेगा। हम चेंज कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। हम पहले क्या करेंगे ना, बेसमेंट में कुछ मेल रख लेंगे, दो चार मेल हो जाएगा, उसको रिनेम कर लेंगे। रिनेम करने के बाद फिर चेक करेंगे मेल है या गायब हो गया, है ना। राइट क्लिक करके व्यू कर सकते हैं यहाँ पे, देखिए पोर्ट रिडायरेक्ट कर दिया ना 8443 पे, ठीक है। तो इस तरीके से काफी मतलब अच्छा व्यू है जिम्रा का, जैसे अगर आप यूज करते हो इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज का भी अच्छा है, लेकिन उसमें पैसे लगता है पर यूजर लाइसेंस। सेंट्रल में स्क्वायरल मेल आता है ना, स्क्वायरल मेल, तो उसमें उसको भी हम ट्यून कर सकते हैं, बना सकते हैं अगर ये वो। बट यहाँ पे कंप्लीट पैकेज है, बहुत सारे ऐसे फीचर है, यहाँ पे यूजर लेवल पे ही कर सकते हैं, ठीक है। जंक में यदि कुछ वायरस से रिलेटेड मेल आ रहा है, कुछ है ऐसा, तो यहाँ पे वो आ जाएगा, है ना। इनबॉक्स है, सेंट है, सारा प्रेस है, सारा कुछ है। कैलेंडर वगैरह में कुछ ऐसे बनाने हैं तो कैलेंडर में लोग बना लेते हैं, है ना, अलार्म वगैरह सेट कर लेते हैं, या कुछ मीटिंग वगैरह वो सब कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट ऐड करने हैं तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। प्रेफरेंस है, प्रेफरेंस में पासवर्ड चेंज करने यूजर का, यहाँ से चेंज कर सकते हैं, है ना, या यहाँ से पासवर्ड चेंज कर सकते हैं यूजर अपने एंड से। व्यू वगैरह चेंज करने हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ये व्यू बहुत अच्छा है, चेंज नहीं करे तो अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अकाउंट्स वगैरह है, जो नाम वगैरह चेंज कर लेते हैं ना, तो ये भी तो ईमेल अकाउंट है ना एक तरीके से। तो आप क्या क्या चाहते हो कि एक ही ईमेल अकाउंट में मल्टीपल आईडी ऐड करना, तो ऐड कर सकते हो। या आउटलुक होते हैं ना, आउटलुक, तो आउटलुक में मल्टीपल आईडी ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ भी हम ऐड कर सकते हैं, ऐड अ पर्सन, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐड कर सकते हैं। नाम वगैरह चेंज करने है कुछ भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिल्टर लगा सकते हैं यहाँ पे, फिल्टर क्यों लगाते हैं, जैसे हमारे पास मेल आया, वो मेल मेरा यूज का नहीं है, जैसे कुछ इनवॉइस जनरेट हो रहा है या कुछ ऐसा कीवर्ड जनरेट हो रहा है, सब्जेक्ट में आ रहा है या फ्रॉम आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि उसको फिल्टर लगा लूँ, यहाँ से नाम दे दूँ यहाँ पे कुछ भी। यहाँ पे सब्जेक्ट में यदि एक्स वाई जेड आए तो उसको क्या करें, डिलीट कर दें या मूव कर दें पर्टिकुलर फोल्डर में। रूल्स भी रूल्स बोल सकते हैं, ग्रुप वाइज, तो फिर हमें वहां लगाने पड़ेंगे उसके जो एंटी स्पैम बताया था मैंने, तो ये सब बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है, ठीक है। फिल्टरिंग वगैरह भी है यहाँ पे, सिग्नेचर वगैरह ऐड करना है तो ये सब कर सकते हैं यहाँ पे। ऑटो ऑफिस देखा होगा आपने, जिसको ऑटो रिप्लाई भी करते हैं, ऑटो रिस्पॉन्डर भी बोलते हैं, कि जैसे इस यूजर के पास मेल आया और हमने यहाँ पे ऑटो रिस्पॉन्डर सेट कर दिया है कि मैं आज सुबह से लेकर के कल सुबह तक ऑटो ऑफिस रहूँगा, और उसके पास मैसेज पहुँच जाए कि आई एम नॉट अवेलेबल इन ऑफिस, कुछ भी है। यदि ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो आप फोन पे कॉन्टेक्ट कीजिए या, है ना, ऐसे ही करके ना, तो उसको ऑटो रिस्पॉन्डर मिल जाएगा ऑटोमेटिक। काफी अच्छा फीचर है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, कंपोज कर लेते हैं। लॉक्स, लॉक्स फाइल को समझना बहुत जरूरी है, लॉक्स जिम्रा के जो लॉग होते हैं ना उसको समझना बहुत जरूरी है। टेल स्पेस माइनस एफ वायर लॉग, तो आपके लॉक्स जो जनरेट होते हैं ना तो इसी फाइल में आते हैं, जिम्रा का जो लॉग जनरेट होता है इसी फाइल में होता है। तो आप जैसे यहाँ पे लॉग जनरेट करोगे, वायर करोगे, और सपोज मैंने यहाँ से मेल कंपोज किया, इसको फेस टू को कौन कर रहा है, फेस वन, मल्टीपल भी हो सकते हैं, ठीक है। सेंड कर दिया मैंने, अब मेल को रीड कीजिए, किसने भेजा,
पेस्ट वन है, तो इसकी एक ना आईडी बन जाती है, मेल आईडी, जिसको ई एस एम टी पी आईडी बोलते हैं, ई एस एम टी पी आईडी। तो ये जैसे मेल सेंड हुआ, ठीक है, ई एस एम टी पी आईडी, तो एक आईडी जनरेट हो जाता है। इसी आईडी के बिहाफ पे हम क्या करते हैं, मेल को ग्रैब करते हैं, ठीक है। अब जैसे हर मेल की एक मेल की आईडी है, यूजर की आईडी नहीं, ये मेल जो भेजा ना तो उसका एक आईडी बन गया, आईडी बन गया। यूजर तो 50 मेल भेजेगा, हर मेल का क्या होगा, टाइम होगा। अब ईमेल आईडी से मैं ग्रैब करूं तो पता नहीं चल पाएगा ना वो। तो जितने टाइम में आपने मेल भेजा है, ये 19:56 में, और उसकी एक आईडी बन गई, इसी आईडी के बिहाफ पे हम क्या करेंगे, मेल को ग्रैब करेंगे। तो पहले ये मेल लोकल होस्ट पे चेक करता है, ठीक है, लोकल होस्ट पे चेक किया, ठीक है, फिर आपका क्या हुआ, यहाँ पे आया पूरा, यहाँ पे लोकल होस्ट से मेल चेक किया, किसको भेजा, फॉर यहाँ पे भेजा, ठीक है। यहाँ पे भेजने के बाद फिर फाइनली वो आया, लोकल होस्ट पे चेक किया, लोकल होस्ट से रिले करने के बाद फिर फाइनली जो इसका एमएक्स है उस पर यहाँ पे रिले कर दिया, ठीक है, यही है ना। और स्टेटस आपका यहाँ पे क्या बता रहा, सेंड बता रहा। तो स्टेटस बाउंस भी बता सकता है यहाँ पे, यदि नहीं है, सेंड नहीं हुआ तो बाउंस भी बता सकता है। तो जैसे यहाँ पे दो आईडी बन जाते हैं, हर जो है ना आईडी के दो आईडी बन जाते हैं, एक क्यू आईडी बन जाते हैं, एक डिलीवर आईडी बन जाते हैं। तो आप जैसे यहाँ पे चेक करो तो ये है ना ट्रिपल ई है, तो यहाँ पे देखो दूसरी आईडी एक बन गई ई सी। अब मुझे चेक करना है इसको दोबारा से, मेल तो लास्ट आउटपुट उसी फाइल से मुझे कुछ आउटपुट को ग्रैब करना है, तो ऐसे बता सकता हूँ। तो मैंने देखा कि यही आईडी है जो मेरा सक्सेसफुली डिलीवर किया, रिले कर दिया ना, ये रिले टू दिस सर्वर, यहाँ पे इसी आईडी को आप ग्रैब करके ये कर सकते हैं। तो दो आईडी हमेशा बनता है, एक आपका जो एसएमटीपी आईडी होता है और आपका ये डिलीवर आईडी, ठीक है, ये यहाँ पे सक्सेसफुली सेंड हो गया। दोबारा से हम क्या कर सकते हैं, इसको लॉग आउट कर लेते हैं। लॉग आउट करने के बाद आपने किसको इसको भेजा था, ये आपका आ गया, सक्सेसफुली मैसेज यहाँ पे आ गया। अब ये भी भेजना चाह रहा है तो यहाँ से भेज सकता है, तो उसी मेल पे भेजना है, कैसे करें, रिप्लाई कर देता हूँ, दोबारा से आप पेल करेंगे तो, ठीक है, बहुत सारे ऐसे देता है इसमें। तो लॉक से ही पता चलता है हमें कि मेल जा रहा है या नहीं जा रहा है, या कुछ ऐसा कंटेंट ब्लॉक है या नहीं है, या अटैचमेंट साइज जो हमने लगा रखा था अपने सर्वर पे तो वो कम तो नहीं है या ज्यादा तो नहीं है, है ना। समटाइम जो है ना मेल जाती नहीं है, बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं, आईपी ब्लैकलिस्ट होता है, या हमने आईपी ब्लॉक कर रखा है किसी सर्वर का, या उसने हमारे हमारा आईपी ब्लॉक कर रखा है। अब आप किसी को भेज रहे हो चाइना में, चाइना वाला आपका आईपी को ब्लॉक कर, इंडिया के सारे आईपी को ब्लॉक कर रखा है, तो वो ब्लॉक कर सकता है ना। अब चाइना से मेरी डीलिंग हो नहीं रही है, चाइना से मेरी डीलिंग हो नहीं रही है, तो चाइना वाला हम आईपी अपने सर्वर ब्लॉक कर देंगे, है ना। तो चाइना वाला हिट मारते रहता है, है ना, सर्वर को हिट करते रहता है, वो काम होगा हैक करने की कोशिश करता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे सर्वर में आईपी टेबल की एक सर्विस होती है, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। आईपी टेबल अगर आता होगा, नहीं आता, आते हैं उसे कर सकते हैं ब्लॉक। डॉक्यूमेंट में देख लेते हैं, डॉक्यूमेंट के थ्रू चल लेते हैं, अकाउंट में मेल भेज के देख ही लिया मैं सब सारा। अब जैसे यहाँ पे मैंने एक बता रखा है, जैसे एक कंपनी में एक से ज्यादा एडमिन हो सकते हैं, तो हम चाहते हैं कि एक और डोमेन एडमिन अकाउंट बनाए, तो हम कैसे बना सकते हैं, या तो आप फ्रंट एंड से भी बता सकते हैं, जैसे टेस्ट वन है मेरा, तो यहाँ पे ये होते हैं ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको सेव कर सकते हो। जैसे आप इसे दोबारा सर्च करेंगे तो यहाँ पे ये भी एडमिन हो गया। तो यहाँ पे आपने वो लॉग इन किया था तो वो सुपर एडमिन से लॉगिन हो रहा था,
तो आप यहाँ से दोबारा से आप लॉग इन करेंगे तो पेस्ट वन एट द रेट से टेस्ट वन ही है ना। अच्छा ये 6987 है, यही है ना। ये ना पूरा आ गया ना कम, यहाँ पे अभी आप ईमेल आईडी वगैरह बना सकते हो साथ, तो ये एडमिन का राइट्स हो गया। आप चाहते हो कि हमारे पास क्या है ना अकाउंट्स जो बन रहे हैं ना डोमेन, उसको नाम हम लोगों ने दिया डेलीगेटेड अकाउंट। डेलीगेटेड में क्या होता है, जैसे आपका कंपनी जैसे आजकल फ्रेंचाइजीज वगैरह बहुत हो जाते हैं है ना, एक ही कंपनी के बहुत सारे ऐसे पार्टनर हो जाते हैं। आपने एक ही सर्वर को मेल होस्ट किया, वो भी चाहता है कि हमें भी चाहिए कंट्रोल पैनल चाहिए, तो यदि हम उसको दे देते हैं तो वो क्या कर सकता है, यहाँ पे सारे अकाउंट व्यू कर सकता है 6987 का भी, मेल का भी, ये भी। तो हम क्या कर सकते हैं, हर डोमेन के लिए अलग अलग वो बना सकते हैं, कंट्रोल पैनल बना सकते हैं कि 6987.in खोले उसको 6987.in की सारी इन्फॉर्मेशन मिले, उसको होते हैं डेलीगेटेड अकाउंट। धीरे धीरे जल्दी जल्दी कर लेते हैं तो वो सब देखते हैं। सुपर एडमिन से ही लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, आपने ये देख लिया, आप आउटलुक में कॉन्फिगर करके देख लेते हैं, एडमिन अकाउंट भी आपने देख लिया। ठीक है, मेल क्यू कमांड होते हैं, जैसे मेल क्यू समझना जरूरी हो जाता है। क्यों हो जाता है, कि जरूरी नहीं है कि सारे मेल डिलीवर हो जाए, है ना। कुछ मेल्स वगैरह होंगे, यदि आज आपने मेल सर्वर बनाया तो 5 दिन के बाद आप मेल सर्वर पर चेक करोगे कि हो सकता है कि 1000 मेल निकले तो उसमें से 50 मेल क्यू में भी अटक सकते हैं। यदि हर चीज क्यू में अटकेगा तो टाइम जो मेल की डिलीवरी होगी थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, क्योंकि क्यू में जा रहा है ना। जैसे हम कोई भी सामान परचेज करते हैं ना, क्यू में जाते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है वो लेने में, काउंटर तक पहुँचने में। तो इसीलिए यहाँ भी है, यदि चीजें क्यू में अटकी हुई है तो आपकी जो है मेल जो डिलीवर हो रही है थोड़ा सा स्लो होगा, तो हम क्यू क्लियर भी कर सकते हैं। ठीक है, मेल क्यू कमांड है, अभी कुछ नहीं है यहाँ पे, है ना। तो डेट वाइज आते हैं मेल क्यू वगैरह, आप चाहते हो कि डेट वाइज डिलीट करना तो वो सब भी कर सकते हैं। फ्रंट एंड से भी हम कर सकते हैं, यहाँ पर उधर मॉनिटर पे आप आओगे यहाँ पे मेल क्यू वाले सेक्शन में तो आपको यहाँ पे दिखाएगा, ये रिफ्रेश करोगे तो एक्टिव सेक्शन दिखाएगा, इनकमिंग दिखाएगा, होल्ड है तो होल्ड दिखाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे सारे मेल जो क्यू में अटके होते हैं, कनेक्शन रिफ्यूज हो गया या डिफॉल्ट है या बाउंस बैक है, तो सब सारा आपका यहाँ पे मॉनिटरिंग यही तो होती है, आपने सर्वर बना दिया, आप मॉनिटरिंग नहीं करोगे तो सर्वर बैठ जाएगा। ऑटोमेटिक है, हम स्क्रिप्ट बना के रखते हैं, लेकिन क्यू तो ऑटोमेटिक करना ही, कैसे करना है, क्यू तो आप देख के ही करोगे ना। कुछ आप जैसे ऑटोमेटिक सिस्टम हर चीज के लिए सही नहीं होते, आपने चला दिया कि 10 बजे सुबह में मेरा मेल क्यू क्लियर हो जाए, तो हो सकता है 10 बजे 50 मेल ऐसा क्यू में लगा हुआ जो एक्टिव है, तो धीरे धीरे डिलीवर हो रहा है, अब आपका स्क्रिप्ट चल जाएगा कि मेल क्यू क्लियर कर दो, तो सारे मेल जो एक्टिव मेल होंगे वो क्या हो सकते हैं, वो डिलीट हो सकते हैं। तो यहाँ से हम डिफॉल्ट में आके चेक कर सकते हैं कि पुराना डेट है, अच्छा राइट डिल करेंगे यहाँ पे और डिलीट कर देंगे। वैसे चेक नहीं करते हैं, अब जरूरी नहीं है, उतना भी स्लो नहीं होता है ना, जाने के लिए हमारी बड़ी बड़ी जितने क्लाइंट है उस पर ज्यादा हम फोकस करते हैं ज्यादातर। ठीक है, और प्रायोरिटी होते हैं कई सारी चीज का। अब हमें क्यू लगा रखा है, 300 मेल वगैरह होगा, 300 मेल जैसे क्यू में आए तो हमें अलर्ट फेंक दें कुछ गड़बड़ है वहाँ पर, तो हम क्या करते हैं लॉग इन करते हैं वहाँ पर, क्यू क्लीन करते हैं, पढ़ते हैं उसको, यदि नहीं जा रहा है तो उसको इंटीमेट करते हैं एडमिन को कि ये डोमेन है आप ट्राई कर रहे हो डेली बेस पे, तो
अब जैसे कई सारे मेल होते हैं ना, जैसे स्पैमर होते हैं, स्पैम भेज देते हैं बहुत बार, तो क्यों मटक जाता है वो हजारों मेल, हजार के बीच में 100 मेल हमारा भी जेन्युइन होता है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एक्टिव मेल पे आते हैं, सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके होल्ड कर देते हैं, तो होल्ड जैसे आप करोगे तो होल्ड वाले सेक्शन में आ जाएंगे, तो मुझे पता है कि मेरा जेन्युइन मेल कौन सा है, राइट क्लिक करके उसको फिर से क्यू कर देंगे, दे क्यू, और बाद बाकी जो स्पैमर वाले हैं राइट क्लिक करके उसको डिलीट कर सकते हैं, तो इस तरीके से होते हैं, करप्टेड है तो डिलीट ही कर देंगे, या वन टाइम आप क्यू भी कर सकते हैं, है ना, इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे स्टैटिक्स होते हैं, स्टैटिक्स में आप आओगे तो सेशन होते हैं, सपोज आपने कनेक्शन बना रखा है यूजर यूजर के अकाउंट से, तो यहाँ पे चेक कर सकते हो कि यूजर कितने कनेक्शन बना रखा है, मोबाइल यूजर है तो कितने कनेक्शन बना रखा है ना, ये सब कनेक्शन है। कोटा, जो कोटा चेक करते हैं ना, अब बहुत सारे ऐसे यूजर है उसने 5 GB ले रखा है स्पेस, 10 GB ले रखा है स्पेस, तो हम चेक करेंगे स्पेस शॉर्ट पड़ रहा है मेरा, कि कौन सा यूजर है कि बहुत ज्यादा स्पेस ले रहा है, तो हम चेक करेंगे अच्छा सबसे टॉप पे ये यूजर आ रहा है सुपर एडमिन, इसका स्पेस देख लिया हमने, यूजर को इंटीमेट करेंगे कि आप क्या करो मेल बॉक्स क्लियर कर लो, डाउनलोड कर लो, या एडमिन क्या करेगा आप फ्रंट एंड से ही उसका मेल डाउनलोड करके कुछ एक्सटर्नल ड्राइव में रख लेगा, है ना, एक्सटर्नल ड्राइव में जैसे रखेगा और यहाँ से क्लीन कर देगा, यूजर तो डाउनलोड कर ही लेता है ना आउटलुक में, तो वो कर हाँ बाय डिफॉल्ट अनलिमिटेड है, सेटिंग देखते हैं उसका, तो मैं दिखा सकता हूँ, दिखा दूंगा यहाँ पे, सॉरी पहले डाउनलोड का दिखाता हूँ, जैसे कैसे वहां से बैकअप ले सकता है फ्रंट एंड से, जैसे ये मेल है व्यू किया मैंने, जो काम फ्रंट एंड से हो जाएगा वो बैक एंड से हो जाएगा, सारे काम फ्रंट एंड से नहीं हो पाते तो हमें बैक एंड में भी लगाने पड़ते हैं, ठीक है। एक मेल है, यहाँ पे जाएंगे प्रेफरेंस में, यहाँ पे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है, ठीक है, एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है, ऑल क्या करने हैं हमें, इनबॉक्स का करने हैं, राइट क्लिक एक्सपोर्ट, जैसे आप एक्सपोर्ट करोगे ये बैकअप आ जाएगा, ठीक है, बैकअप जैसे आया आप चाहते हो कि ये बैकअप दूसरे अकाउंट को दे देने टेस्ट 3 को या टेस्ट 2 को, तो यहाँ पे इंपोर्ट भी कर सकते हैं, चूज फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट करेंगे जरूरी नहीं है कि इंपोर्ट इनबॉक्स में ही करें, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे फोल्डर भी बना सकते हैं, इनबॉक्स में तो ओवरलैप हो जाए ना बहुत सारी चीज, नहीं नहीं साइज तो बढ़ जाएगी उसकी, साइज बढ़ जाएगी, लेकिन अब आपने किसी से बैकअप लिया है अब डालना तो डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो अब यहाँ पे फोल्डर बना लो एबीसी, आप इस पे इंपोर्ट करा दो यहाँ से, ठीक है, इंपोर्ट करा दो जैसे आएगा तो यहाँ पे फोल्डर डेस्टिनेशन बता देना आप, ये हो जाएगा। अब यूजर का मेल बॉक्स खाली करने हैं, हमने बैकअप ले लिया और यहाँ पे आके राइट क्लिक करेंगे सेलेक्ट ऑल डिलीट, उसने ऑलरेडी मेल अकाउंट डाउनलोड कर लिया, दूसरे से भी शेयर कर सकते हैं यहाँ पे, राइट क्लिक करो, यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं, ऑनलाइन शेयरिंग, ऑनलाइन शेयर कर सकते हैं, कुछ भी टाइप करेंगे ऑनलाइन शेयर हो जाएगा, नहीं यहाँ से मैंने मेल बॉक्स डिलीट नहीं होती, डिलीट नहीं होती, बैकअप लिया ना उसका, सीपी करते हैं ना कमांड बैकअप लेते हैं, सोर्स डिलीट तो नहीं होता है, तो सीपी कर लिया आपने बैकअप हो गया, और आपको सोर्स से डिलीट करने तो डिलीट कर सकते हो आप इस तरीके से। अब जैसे एक फॉरवर्डिंग का ऑप्शन होता है इसमें, फॉरवर्डिंग मैं चाहता हूँ एक और अकाउंट बना लेता हूँ बैकअप,
जैसे मैं जाता हूँ यहाँ पे कि टेस्ट वन को कॉपी मिल जाए, टेस्ट वन को, तो वो एक कॉपी बैकअप में भी चली जाए। तो बैकअप बस नाम दे दिया, मान लीजिए एक और नाम देता हूँ, कोई यूजर है जो होता है ना कंपनी में मेल आता है और बॉस चाहता है कि नहीं इसके पास जो भी मेल आए एक को भी मेरे पास भी आ जाए या और भी किसी के पास चले जाए, मल्टीपल ग्रुप वाली तो दूसरी हो जाती है, यूजर वाइज ग्रुप पे जाएगी तो ग्रुप बनाना पड़ेगा ना उस हिसाब से, है ना। सेंड का भी आइटम चाहिए तो सेंड का भी आइटम मिल जाएगा, इनकमिंग का चाहिए तो इनकमिंग का भी मिल जाएगा, इनकमिंग का तो हम ऐसे ले लेंगे। तो हम कैसे कर सकते हैं, तो जैसे बैकअप है मेरे पास यही है ना, तो इस पे मेल आए तो फॉरवर्डिंग हो जाए, तो यहाँ पे हिडन फॉरवर्डिंग भी लगा सकते हैं। बैकअप एट द रेट 6987.in यही है ना, ये इस पे मेल आए सिक्स टेस्ट पे तो बैकअप पे भी चले जाए। एक और ईमेल आईडी ऐड करना है तो यहाँ भी कर सकते हो कि उस पे भी चले जाए, सेव कर लीजिए आप। यहाँ पे देखिए ऑप्शन है, यहाँ पे अलाउ द यूजर स्पेसिफाई फॉरवर्डिंग एड्रेस, अब यूजर ने अलाउ किया कि फॉरवर्ड हो जाए मेल इस पे फॉरवर्ड हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन है डोंट कीप लोकल कॉपी, अब यदि यहाँ पे क्लिक कर देते हो तो लोकल कॉपी इस पे मेल आएगा नहीं, जैसे यूजर छोड़ के चले जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं ना, तो हमें तो मेल रखना ही नहीं यहाँ पे, मेल बॉक्स का साइज क्यों बढ़ाए, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे इस पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे इस पे क्लिक करोगे आप तो यहाँ पे मेल होल्ड नहीं होगा और डेस्टिनेशन जहाँ भी आपने फॉरवर्डिंग लगाया वहाँ पे मेल सेंड हो जाएगा। सेव कर लीजिए आप, ये कौन है टेस्ट वन है, आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे लॉग आउट कीजिए और टेस्ट टू से मेल करूँगा, बाहर वाला भी मेल करेगा तो आएगा उस पर, नॉट ओनली लोकल बाहर वाला भी कभी करेगा तो उस पर आएगा। टेस्ट वन लॉग ग्रैब कर लो आप, ठीक है टेस्ट वन अच्छा यहाँ बैकअप आया ना, बैकअप पे भी आ गया, हमने बैकअप पे तो भेजा नहीं था वो बैकअप पे भी आ गया, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि बैकअप पे आया कि नहीं आया, बैकअप पे भी आ गया, ठीक है। और पासवर्ड वगैरह चेंज करना आपने देख लिया है, सब सारा चीज देख लिया। अच्छा इसमें कुछ और सेटिंग्स है मैं बता देता हूँ, ठीक है। डोमेन वगैरह डिलीट करना है तो आप डोमेन पे आके डिलीट कर सकते हो सारा। सर्वर है, सर्वर सेक्शन में आते हैं यहाँ पे। सर्विसेज वगैरह इनकेस यदि कोई से सर्विस है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है आपको और आपकी सिस्टम की जो रिसोर्स है रैम है वो ज़्यादा यूटिलाइज हो रहा है तो हम यहाँ से सर्विस हटा सकते हैं, ठीक है। और एम टी ए टी एल एस आप नहीं चाहते हो तो टी एल एस हटा सकते हो, लेकिन एक ऑथेंटिकेशन तो चाहिए, ठीक है। एम टी ए होस्ट नेम ही है आपका, अदर कोई नेटवर्क है आपकी कोई मेल जो भेज रहा है तो आपके नेटवर्क से रिले नहीं हो रहा है, डिनाई हो रहा है, तो आप यहाँ पे आई पी एड्रेस हटा सकते हो। तो प्रोग्राम है आई एम एफ वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम मैंने, यदि आपका हार्ड ड्राइव फुल हो जाता है, हार्ड ड्राइव फुल हो जाता है तो मेल कहाँ स्टोर होता है, स्टोर फोल्डर के अंदर ही स्टोर होता है ना, आप इसी लोकेशन में आप यहाँ पे चेक करोगे ओपीटी जिंदा के अंदर में स्टोर, तो स्टोर फोल्डर ये मिल जाएगा, तो ऐसे मिलेगा। अब यहाँ पे तो यूजर दिख नहीं रहा मुझे, ठीक है। तो स्पेस होगी आपकी यहीं पे, तो ऑलरेडी आपका एक जो स्टोर फोल्डर है वॉल्यूम है माउंटेड है, तो आपने जैसे सेकेंडरी हार्ड ड्राइव इसमें लगाया तो बी एफ माइनस एच करोगे तो आपका यहाँ पे मान लो डेटा वन नाम की एक लगा दिया, हार्ड ड्राइव लगा दिया ना, जैसे ये पार्टीशन है ना आपका, एक हार्ड ड्राइव और लगा दिया और उस हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट करके डेटा वन पे माउंट करा दिया आपने, तो आपने यहाँ पे जो इसका नाम दिया है ना वॉल्यूम वन मैसेज वन है, तो एक और यहाँ पे वॉल्यूम ऐड करोगे, इसका नाम दे दोगे मैसेज टू,
मैसेज टू, और यहाँ पे जो डेटा है तो डेटा पार्ट चेंज कर दोगे उसका, जैसे पार्ट चेंज करोगे और उसको माउंट करोगे तो दूसरा एक और बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बट डेटा सेपरेट नहीं होगा, डेटा सेपरेट नहीं होगा, डेटा लिंक का भी रहेगा। तो जिंदा में ही, जिंदा में एक अच्छी फैसिलिटी है कि आपका जो डेटा होता है एक हार्ड ड्राइव से दूसरे हार्ड ड्राइव में भी चले जाएगा, तो वो सिंक्रोनाइज रहता है, ठीक है। कॉपी नहीं बनाएगा, वो सिंक्रोनाइज रहेगा। तो जैसे आपने इसको यहाँ पे देखो, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया ना, यहाँ पे कनेक्ट मैसेज वन, तो अब यहाँ पे दूसरा आ जाएगा, ये डेटा वन। तो करेंट जैसे आप करोगे तो करेंट में डेटा आएगा ना, अभी करेंट किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है ना। अब जैसे दूसरा ऐड कर दोगे आप यहाँ पे, तो दूसरे पे आएगा। अब टेस्ट करना, टास्क आपके लिए फ्रंट एंड से ही सारा काम हो जाएगा। आप मशीन पे क्या करना है, यहाँ पे हार्ड ड्राइव बना लेना, एक बना सकते हैं ना, नहीं बन जाएगा, वर्चुअल हार्ड ड्राइव तो बन ही जाता है। उस हार्ड ड्राइव को डेटा वन पे माउंट कर लेना, माउंट करने के बाद यहाँ पे क्या करना, एक मैसेज, मैसेज जो वॉल्यूम नेम है मैसेज टू नाम का क्रिएट करके और इसको चेंज करके देखना है आप। जैसे चेंज करोगे तो यहाँ पे तीसरा आ जाएगा, दूसरा तो है ही, तीसरा आ जाएगा। तो जैसे मेल नया डाउनलोड होगा तो इस वाले ओपीटी जिंदा डेटा वन के अंदर में आपका फर्स्ट पार्ट में वो फुल होगा, उसके बाद सेकंड में जाएगा। टेस्टिंग के लिए बता रहा हूं, नहीं नहीं ये इसलिए वो कहते हैं सभी सेकंड वो तो कम बनाते हैं ना, जो जब फर्स्ट वन को सही से करना पड़ेगा और मैनुअल करने पड़ते हैं। जैसे आप बना दोगे ना वो, तो वो आपका यहाँ पे नया आने लगे। करंट जैसे बताओगे कि मेरा जो है उसमें चले जाएगा, करंट तो होगा तब नेक्स्ट मैंने देखा यहाँ पे तो आपको बता दिया ये, ठीक है। ग्लोबल सेटिंग, ये वाली एक साइज है आपकी यहाँ पे, ठीक है। अभी कितना है केबी में, मतलब कितना होगा ये 10 MB है, तो आप 10 MB से ज्यादा साइज नहीं भेज सकते। तो और कम करने है, ज्यादा करने है, तो यहाँ से ज्यादा कर सकते हो। यहाँ पे 20 कर दूं तो 20 MB हो जाएगा अटैचमेंट, हाँ अटैचमेंट, हाँ 20 MB कर सकते हो। यहाँ पे सेव कर सकते हो, यहाँ पे सेव करके और यहाँ पे एक सर्विस स्टार्ट कर सकते हो, ZM MTA CTL। ZM कंट्रोल जो सर्विस है, ZM कंट्रोल वो सारे सर्विस को स्टार्ट करता है। तो ZM कंट्रोल जब हम सर्विस स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी टाइम लेता है, करीबन 1 से 2 मिनट लग सकता है वो टाइम, क्योंकि सारे रिसोर्सेज वगैरह सारा बिजी होता है ना। तो जितने भी LDAP से होते हैं, MySQL से सारे, उसको पहले क्या करते हैं, वो किल करता है, किल करने के बाद फिर वो स्टार्ट करता है। तो आप क्या करो, पर्टिकुलर काम करते हो आप, तो पहले उसी से रिलेटेड चलाओ। जैसे आप कॉन्फ़िग फाइल में कुछ भी अपडेट करते हो तो कॉन्फ़िग फाइल से रिलेटेड जो स्पेसिफिक सर्विस है आप उसको स्टार्ट करो ऐसे। तो आपकी ये बढ़ गई। यहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह होते हैं, हम लगाते हैं सिक्योरिटी वगैरह। जैसे मैं यहाँ पे लगा दूँ कि अननोन हेलो नेम, ठीक है, क्लाइंट मस्ट बी विजुअल होस्ट नेम। अब जैसे सेंडर होते हैं ना, अभी मैंने तो लोकल सर्वर बना लिया, इसका तो कोई ऐसा कोई मैंने पॉइंट भी नहीं किया, DNS में कुछ बनाया भी नहीं, मेल भेजूंगा तो ये तो फेक मेल सर्वर हो जाएगा ना, फेक मेल सर्वर। हमने कुछ सेटिंग नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो रिसिपिएंट सर्वर पे यदि उसने यहाँ पे उसने ये लगा रखा होगा तो आपका मेल वहाँ पे बाउंस हो जाएगा, वहाँ पे जाएगा नहीं, वहीं से बाउंस बैक कर देगा और बताया था आपको कि आपका जो सर्वर का जो नाम है IP है इज नॉट रिजॉल्व, है ना, ठीक है। और भी कुछ ऐसा सिक्योरिटी लगाना है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे रिजेक्ट अननोन सेंडर, अननोन सेंडर है कुछ ऐसा पैरामीटर है तो आप ऐसा लगा सकते हैं, ठीक है। फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन आपका नहीं है तो आप यदि इनेबल कर देते हो तो आपके सर्वर पे कोई भी मेल आएगा और सेंडर का जो जैसे NS लुकअप करते हो ना तो उसका नाम फुल्ली क्वालिफाइड नहीं दिखा रहा तो आपका सर्वर रिसीव नहीं करेगा। तो ये सब ऑप्शन इसलिए इनेबल करते हैं कि हम स्पैम रोकने के लिए, स्पैम रोकने के लिए हम ये सब ऑप्शन इनेबल करते हैं, ठीक है।
जो स्पैमर होते हैं ना उनके पास कोई वैलिड सर्वर नहीं होता, वो एक दिन सर्वर बना लेते हैं हजारों मेल भेज के बंद कर देते हैं। तो हर दिन वो वैलिड तरीके से एसएमटीपी बनाएगा, डोमेन परचेज करेगा, एड्रेस करेगा, पैसा मिलता है, पैसा मिलता है। हमारे पास तो डेली के डेट में केस केस आते रहता है, केस पैसा केस ना हमारे पास आते रहता है। तो वो लोग फ्रॉड करते हैं ना, अभी से आज के डेट में आसानी से पैसा कमाना काफी टफ है ना। आप चाहो कि तुरंत में करोड़पति बन जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपको फर्जी काम करने पड़ेंगे, चोरी करने पड़ेंगे, डकैती मारने के बाद पहले वो आपके इनबॉक्स में है, अगर उस पर कोई रिपोर्ट करता है तब उसको स्पैम में डालता है, वो कभी भी भेजेगा ना कुछ नहीं। नहीं, वो जरूरी नहीं है। सैंडमेल के केस में आप बता रहे हो पहले इनबॉक्स में आता है, फिर क्योंकि सैंडमेल में फीचर नहीं है वो सैंडमेल में। यहाँ पे तो हमारे सर्वर पे जैसे मेल आएगा क्यू में लगेगा और एमटी वो चेक करेगा, हम अभी चेक करेगा, फिर वो सैंडमेल के केस में है। इसी से वो सर ने बताया होगा, सर ने बताया होगा। अच्छा तो दो तीन साइटें हैं ना जैसे अलग अलग, तो जीमेल पे भेजोगे ना पहले वो चला जाएगा, अगर उस पे रिपोर्ट कर दिए किसी ने तो वो क्या कर जाएगा। अभी जो सबसे अच्छी जो मेल स्पैम फिल्टरिंग का है जीमेल का ही है, पोस्ट नहीं करके स्पैम फिल्टरिंग टूल यूज करके, पोस्ट नहीं करके सबसे अच्छी जीमेल की है। ये सब है सिक्योरिटी वगैरह आप बढ़ा सकते हैं। ये एक्स ओरिजिनेटिंग आईपी है, यदि आपके सर्वर से मेल जाता है तो आपका आईपी लग के जाए, आप चाहते हो कि नहीं आईपी किसी दिन से प्रॉब्लम कर रहा है तो आप इस ऑप्शन को हटा सकते हो। यहाँ पे डीएनएस लुकअप वगैरह ऐसे रहेगा। यदि आपके एनवायरमेंट में फायरवॉल वगैरह कुछ लगा हुआ है, आपने लोकल एनवायरमेंट लोकल आईपी पे ये बना दिया, मतलब सर्वर बना दिया, तो उसको क्या पता है कि किस एसएमटीपी से मेल रिले होगा, है ना। आपका कोई गेटवे सर्वर भी है, ईमेल सर्वर भी है, तो आपको यहाँ पे एक्सटर्नल ईमेल डिलीवरी के लिए यहाँ पे उस सर्वर का आईपी एड्रेस बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब सेटिंग्स होते हैं। पब्लिक एनवायरनमेंट में हम करते हैं तो हम नहीं करते हैं, बट विद इन दी फायरवॉल होते हैं तो हमें यहाँ पे एक्सटर्नल डिलीवरी के लिए, ठीक है। ये सब छोटे छोटे सेटिंग्स है, आपको सर्वर जब बनाते हैं तो ये सब करने पड़ते हैं, ठीक है। IMAP में कुछ नहीं करने पड़ते हैं, POP में कुछ नहीं, एंटीवायरस में करने पड़ते हैं यहाँ पे, है ना। जो मैंने बताया था टैग, स्पैम टैग लग जाते हैं, फिर उसके बिहार पे वो वायरस या स्पैम या जंक ट्रीट होता है, तो इसी के बिहार पे होता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे आप घटा सकते हो 33 से कम कर सकते हो आप, ठीक है। तो स्पैम टैग बनते हैं ना, ये स्पैम टैग नंबर क्या होगा, 33 का मतलब है 6.6। अब यहाँ पे इसको कम करते हो तो आपका और कम हो जाता है, जैसे 5 हो जाएगा या 6 हो जाता है, लेकिन डिफॉल्ट ही रखते हैं, ठीक है। जैसे आप चाहो से फिल्टरिंग की लेवल फिल्टरिंग के लिए नहीं, जैसे अब मैं यहाँ पे बताऊँ आपका यहाँ पे मेल पर हेडर पढ़ने हैं, हेडर यहाँ पे दिखा रहा है ये रिक्वायर्ड, जैसे लोकल डोमेन से आया तो स्कोर जो बना ना मेल का -1 point something आया, और इस मेल को स्पैम ट्रीट करने के लिए यहाँ पे कितना चाहिए था 6.6.6। तो 6.6 कुछ फॉर्मूला है ना, तो मैं बता दूंगा आपको क्लास के बाद। तो उस फॉर्मूला को कैलकुलेट करके 33 का 25% करते हैं, है ना, तो वो 6.6 जाता है, ठीक है। 6.6 गया तो आपका ये तो स्पैम हुआ नहीं। यदि आपका कोई ऐसा मेल आ रहा है तो 5.6 तक जा रहा है, 5.6 तक, तो 5.6 भी जेन्युइन मेल हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ 6.7 जैसे आया तो आपका वो स्पैम में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे 5.6 करने हैं तो 33 वाली परसेंटेज वाली वैल्यू को कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये और अमावस में यहाँ पे दो ऑप्शन है, आप चाहते हो कि कोई भी ये एंटीवायरस से रिलेटेड कुछ ब्लॉक हो तो यूजर को नोटिफिकेशन चले जाए, तो हम नहीं चाहते हैं यूजर को नोटिफिकेशन जाए,
एक ये इनक्रिप्शन आर्काइव का होता है, जैसे कुछ फाइल्स वगैरह होते हैं ना, बैंक से रिलेटेड फाइल वगैरह, तो उसमें पासवर्ड वगैरह लगा होता है, इनक्रिप्टेड पासवर्ड वगैरह, तो उस तरीके की मेल आएगा ना, तो आपको आपका मेल यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। तो आप चाहते हो कि नहीं ब्लॉक हो, यदि नहीं चाहते हो तो यहाँ पे ये कर सकते, ये हटाने के बाद आप सेव कर दो। यहाँ पे सेव करने के बाद एक सर्विस होती है ZMAMAVIS DCTL, ये एंटीवायरस की सर्विस होती है, जो अमाविस की जो सर्विस होती है ये होती है रिस्टार्ट, ZMAMAVIS DCTL रिस्टार्ट, ठीक है। ये रिस्टार्ट कर दिया आपने, फिर आपका ये हो जाएगा। एडवांस में कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं। यहाँ पे कॉस्ट है, कॉस्ट मतलब क्लास ऑफ सर्विसेज, जो हम पॉलिसी बनाते हैं ना, तो इसी के अंदर होता है। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे डिफॉल्ट पॉलिसी क्या है, डिफॉल्ट पॉलिसी में आपको मैं एडवांस में दिखाता हूँ फीचर, है ना, ये सब सर्विसेज हैं जो यूजर को मिलेंगे। आप चाहो तो हटा सकते हो ट्यून करके, ये सब सारा चीज़ डिफरेंस में क्या मिलना चाहिए, ये सब सारा, ये सब सारा, ये सब जिमलेट होते हैं, जिमलेट जैसे कुछ ऐसा फीचर आ रखा है आपको ऐड कराने हैं फ्रंट एंड से यहाँ पे, कि यूजर को वो दिख जाए, तो जिमलेट हमें ऐड कराने पड़ते हैं यहाँ, ठीक है, यहाँ से ऐड कराने पड़ते हैं जिमलेट, जरूरत पड़ता नहीं है। अभी एडवांस में आप देखिए यहाँ पे कोटा कितना सेट है, जो कोटा आपने पूछा था इसीलिए मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, कोटा अनलिमिटेड है ना। तो ये क्या है, यहाँ पे ग्लोबल रूल है, यूजर के लिए भी लगा सकते हैं इंडिविजुअल, एक यूजर के लिए इतना कोटा सेट हो जाए, और ग्लोबल के लिए चाहते हैं तो यहाँ पे सेट कर सकते हैं 500 MB या जो भी सेट करना चाहते हैं, 1 GB या कुछ भी, पर हाँ पर यूजर यहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो और नीचे भी कुछ है यहाँ पे, जैसे परसेंटेज थ्रेशोल्ड फॉर कोटा वार्निंग, अब जैसे यहाँ पे 90% होगा तो वार्निंग जाएगा, ठीक है, यूजर को। और यहाँ पे मिनिमम डाउन टाइम बिटवीन कोटा, जैसे 1 डे डाउन टाइम मिलेगा, ठीक है। पॉप 3 पॉलिंग वगैरह तो नहीं करते, पासवर्ड पॉलिसी मेन होते हैं। अब यहाँ पे बढ़ा दो 8 कर दो, मैक्सिमम इतना होना चाहिए। जैसे अपर केस है ना, अपर केस क्या होते हैं, जो आपका कैपिटल लेटर होता है, तो 2 करना है तो 2 कर सकते हो आप, है ना, जो भी करने ऐसे कर सकते हो आप। जैसे मिनिमम कैरेक्टर होते हैं यहाँ पे, मिनिमम कैरेक्टर कितना दे सकते हो, 1-2 जितना भी करने हैं, जैसे कुछ स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पे डिफाइन करने हैं, ऐट द रेट हो जाते हैं ना, एक ये इस तरीके से हैश हो जाए, ये कुछ 2-3 जो भी है, इस तरीके से क्या होगा, पासवर्ड आपका कम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, एक्सपायरी डेट वगैरह भी करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन एक्सपायरी डेट आप लगाओगे तो आप खुद परेशान हो जाओगे, आजादी ले रहे दिन भर पासवर्ड ही चेंज करते रहो उनका, दिन में 10 कॉल आएंगे आपके पास, वो पासवर्ड चेंज कर दो सकते, अब आप इरिटेट हो जाओगे वहाँ पे, तो कुछ ना कुछ ऐसा रूल बनाने पड़ेंगे, खतरनाक, ठीक है। तो सेव कर लीजिए यहाँ से पासवर्ड पॉलिसी, और भी है कई सारे, जैसे यहाँ पे फेल टू अटेम्प्ट पॉलिसी है, फेल टू अटेम्प्ट से मतलब आपका अकाउंट है ना पब्लिक में, तो पासवर्ड क्रैक करता है ना कोई भी पासवर्ड, तो अकाउंट लॉक हो जाता है, नहीं समझे, जैसे आपने ईमेल आईडी बनाया, बार बार ट्राई किया, आपने यहाँ पे लगा दिया कि टाइम लॉकआउट, कितने आज तक आपका अकाउंट लॉक हो, ठीक है, फेल्ड लॉगिन मस्ट आफ्टर, तो 1 hour भी रखते हैं आपका, यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ फेल्ड लॉगिन, जैसे 5 times फेल्ड लॉगिन हो तो आपका अकाउंट क्या होगा, लॉक हो जाएगा, 1 hour मिनट कौन लगाता है, मिनट है ही नहीं तो कहाँ से लगाएंगे, अच्छा है मिनट भी है, अच्छा है, ठीक है, 1 hour तो बताओ, 1 hour कोई दिक्कत नहीं है, 1 hour अकाउंट लॉक हो जाएगा आपका, अकाउंट लॉक हो जाएगा तो यूजर भी मेल यूज नहीं कर पाएगा, तो इसमें भी आपको काफी परेशानी होगी,
हम लोग नहीं लगाते हैं इसको, तो दिन भर आपको अकाउंट ही लॉक अनलॉक करने पड़ेंगे, ठीक है, तो इसको हम बंद ही रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ आप होम पे, जैसे लॉक के लिए बता दिया ना मैंने, लॉक के लिए, तो एक और है यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ टेस्ट खोला, टेस्ट खोलने के बाद यहाँ पे यूजर का स्टेटस होता है, अभी देखो यहाँ पे तो एक्टिव है, क्लोज है, लॉक है, जैसे लॉक हो जाएगा ना तो ऐसे लॉक हो जाएगा इस तरह से, अब यूजर लॉग इन नहीं कर सकता, बट मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं फ्रंट एंड पे हूँ, एडमिन है, वो क्या कर सकता है, यहाँ से मेल देख सकता है, कुछ भी मेल देख सकता है। अभी यूजर बोलेगा कि मैं लॉग इन नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे रीड करके और यहाँ से क्या कर सकता हूँ, उसको एक्टिव कर सकता हूँ। लॉग के केस में क्या होता है ना, मेल आते रहते हैं, लॉग के केस में मेल आते रहते हैं, लॉग का मतलब ये नहीं कि यूजर अब है ही नहीं अवेलेबल, अब कोई मेल भेजेगा तो मेल रिसीव करेगा, सर्वर मेल अकाउंट ओपन नहीं कर पाएगा। एक होता है यहाँ पे एक्टिव, तो एक्टिव है ना, एक होता है क्लोज, क्लोज मतलब यूजर छोड़ के चले जाते हैं ना, तो हम डिलीट नहीं करते हैं तो उसको क्लोज कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे पास डेटा होता है, यूजर लॉगिन नहीं कर पाता, वहाँ से मेल भी नहीं आ पाता, वहाँ से मेरे को भी मेल रहता है, तो दो ही तीन चीज है जो हम करते हैं इसमें, पेंडिंग पेंडिंग वेंडिंग क्या है दो, ठीक है, सेम फॉरवर्डिंग वगैरह देख ही लिया आपने, यूजर लेवल पे कुछ कोटा लगाने हैं तो ये चीजें, ये लगाया था ना यूजर लेवल पे आपने कोटा लगाया था, ये सब चीजें आउट ऑफ ऑफिस का होता है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, ये है ना ये आउट ऑफ ऑफिस, ये है ना ये, यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे आप रिप्लाई सेट कर दो, चले जाएगा ये, सेंडर ऑटो रिप्लाई लगा दिया ना आपने, क्लिक कर दिया यहाँ पे, ये पॉपअप क्यों आ रहा था यूजर के, जब जैसे मैं यूजर रिडायरेक्ट करता हूँ ना यहाँ पे यूजर रिडायरेक्ट करता हूँ ना हमेशा, आप देखिए ये पॉपअप आ रहा है ना, क्योंकि इसका ऑटो रिस्पॉन्डर ऑलरेडी इनेबल है, इनेबल है ना ये, इसीलिए मुझे पॉपअप दे रहा है, और वहां पे वो ऑप्शन दिखा रहा है कि ऑलरेडी वो इनेबल है। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे आपको आप लगाने हैं ऑटो रिस्पॉन्डर, जो भी चेक करने सेट कर सकते, फॉरवर्डिंग और एलियास एक ही चीज है, फॉरवर्डिंग और एलियास, ठीक है, तो ग्राफिक में इतना ही है, एक आपका डीएल बच गया, डीएल डीएल होता है यहाँ पे ग्रुप के लिए, जो आपने ग्रुप बताया था वो चीज है, मैं यहाँ पे मेल करेगा सब, हाँ ग्रुप के मेंबर के सब, हाँ तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट है, आप यहाँ पे आओ क्रिएट करो, इसे मैंने यहाँ पे बना दिया, ये मेल टू ऑल बना दिया, मेल टू ऑल एट द रेट 6987.in, ये बना दिया, और यहाँ पे कोई भी अकाउंट ऐड कर दिया, सारे ही करूँगा, टेस्ट वन एट द रेट 6987.in ऐड कर दिया यहाँ पे आ गया। अब जैसे दूसरा भी है मेरे पास टेस्ट टू एट द रेट 6987.in ऐड कर दिया, फिनिश कर दिया, तो इसके कितने हो गए, दो मेंबर हो गए, ठीक है, और नाम ये है मेल टूल, ये मेल आईडी नहीं है, ये नाम है बस, ना नाम है ग्रुप नेम, हाँ ग्रुप नेम है। अब जैसे ये यूजर है यहाँ पे टेस्ट वन, मेल टू ऑल पे क्लिक मेल करेगा, तो यहाँ पे दिखाता भी है कि दो मेल आईडी, तो ये एक्सपेंड हाइड भी हो जाते हैं, हम चाहते हैं कि हाइड करना, तो हाइड भी हो जाता है, टेस्ट मेल,
एक टेस्ट वन को गया, टेस्ट टू को गया, बैकअप को चले गया। बैकअप को क्यों गया? टेस्ट वन पर मेल आया तो बैकअप को चले गया। ठीक है, ये इस तरीके से मेल बॉक्स कोटा भी देख लीजिए आपने, ये सब लॉक्स लॉक्स भी देख लिया आपने, मेल क्यू भी देख लिया। तो मेल क्यू क्लियर करने का कई सारे कमांड है हमारे पास, हम क्लियर कर सकते हैं। जिम्रा से रिलेटेड लाइव में कभी भी सर्वर बनाओ और कुछ भी रिक्वायरमेंट हो पूछ लेना, ठीक है। जैसे मेल फंस जाते हैं ना हमारे पास मेल फंस जाते हैं, तो क्या होता है कि हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर फेल्ड मेल हम डिलीट करें, तो ये हमारा जो मेल क्यू का जो लोकेशन होता है तो इसी लोकेशन में आके क्यू अटकता है। जैसे आप यहाँ पे चेक करोगे एसबिन में आके, तो पोस्ट क्यू काउंट करेगा माइनस पी और इस चीज को, ठीक है, फर्स्ट फील्ड को और इस वाले फाइल में जितने भी आईडी होंगे उसको रिडायरेक्ट कर देगा। तो ये बस मैं बता जाऊँ और कॉपी पेस्ट कर देता हूँ आपके डॉक्यूमेंट में, ठीक है। ठीक है, पहला क्या करेगा, ग्रैब कर लेगा सारा मेल लेटर डेमन वाला, और नीचे वाला क्या करेगा, डिलीट कर देगा। ठीक है, और आपके काम के क्या है, डिफॉल्ट कुछ ऐसे मेल है आप चाहते हो कि सारा डिलीट कर दे, तो ये सब सारा डिलीट हो जाएगा, है ना, ऐसे भी डिलीट कर सकते हैं, सारा ही मेल डिलीट हो जाएगा, सारा ही डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और ये होता है होल्ड के लिए, होल्ड के लिए जो मैंने बताया था ना हजारों मेल क्यू में आपको होल्ड में करने हैं, होल्ड में करके फिर से वन बाई वन डी क्यू करने हैं, तो उस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो। तो ये वाली होती है, सॉरी ये रूट से चलाना पड़ता है, ठीक है। ये SSL यूजर नेम ऑथेंटिकेशन जो होते हैं ना सर्वर पे, सपोज किया ना कोई भी बार बार ऑथेंटिकेट कर रहा है और पासवर्ड कम्प्रोमाइज हो गया, तो मुझे जो है ना उसकी यूजर आईडी ग्रैब करने है, तो आप इसे ग्रैब कर सकते हो। तो जैसे आपको पता चल गया कि बार बार ये ऑथेंटिकेट कर रहा है और पासवर्ड क्रैक करने की कोशिश कर रहा है, तो आप इस वाले फाइल से इसे निकाल के आप क्या कर सकते हो, यूजर नेम और पासवर्ड जो है यूजर का चेंज कर सकते हो, और आईपी एड्रेस बता देगा कि ये आईपी एड्रेस है इस तरीके से। तो ये लॉग जो होते हैं डिफॉल्ट लॉग होते हैं, मेल लॉग ये होते हैं ना, वायर लॉग मेल लॉग, तो डिफॉल्ट जितने भी लॉग्स होते हैं वो इसी के अंदर आएगा, और इसके अंदर से आप क्या कर सकते हो, चीज़ों को ग्रैब कर सकते हो।